गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट। कल मैंने आपको पार्ट एक सूरज उदय से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ करने के लिए दिए थे, ठीक है? क्या दिए थे बच्चों? कठिन शब्द और शब्दार्थ। तो देखो, एक बार हम कठिन शब्द और शब्दार्थ खुद भी करके देखेंगे। देखो, आज मैं जो आपको ये कठिन शब्द करा रही हूँ, आपको ये कठिन शब्द कल याद करने हैं और कल मैं इनका टेस्ट लूँगी। देखिए, मैं अभी आपको इन कठिन शब्दों में से 6 कठिन शब्दों पे सही का निशान लगाऊंगी और आपको वो 6 कठिन शब्द याद करने हैं, मैं कल उनका टेस्ट लूँगी। ओके, देखो बच्चों, पहला कठिन शब्द है सूरज। देखो ये कैसे लिखा हुआ है, स पे ऊ, उन वाले की मात्रा, ठीक है, ऊ की मात्रा। देखो, स पे ऊ की मात्रा, सूरज, ठीक है। सूरज का अर्थ क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। देखो, स पे किसकी मात्रा लग रही है? ऊ की। तो स और ऊ मिलकर क्या बना? सू, फिर र, फिर ज। तो अब इसको साथ में बोलेंगे सूरज। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा है? अंधियारा। आप पे देखो, अन की मात्रा लग रही है, ध पे देखो इक की मात्रा लग रही है, यहाँ पे देखो आ की मात्रा लग रही है और र पे भी देखो आ की मात्रा लग रही है। तो आप पे जब अंक की मात्रा लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अन। ध पे इक की मात्रा लगाओ, अंधी धी, अंधी। या पे आकी, या, और र पे भी आकी, अंधियारा। क्या बोलेंगे? अंधियारा। अब देखो तीसरा, तीसरा क्या लिखा है? चंदा। च पे देखो अंक की मात्रा लग रही है तो इसको बोलेंगे चन, और द पे आकी मात्रा दा, चंदा। क्या बोलेंगे? चंदा। चौथा देखो, प पे अंक की मात्रा पन, छ पे ई की मात्रा पंछी। क्या बोलेंगे? प पे अंक की मात्रा पन और छ पे ई की मात्रा पंछी, ठीक है बच्चों। प पे देखो किसकी मात्रा लग रही है? अंक की। तो प पे अंक की मात्रा लगेंगे तो उसको बोलेंगे पन और छ पे ई की तो उसे बोलेंगे छी, मिलकर क्या बनेगा? पंछी। पंछी यानी पक्षी, है ना। पांचवा देखो क्या लिखा है? मुस्काई, है ना। म पे किसकी मात्रा है? ऊ की। तो म पे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो मू, मू। स आधा स, है ना। क पे आ की मात्रा का और फिर ई की मात्रा मुस्काई। देखो इसमें स पे ऊ की मात्रा, फिर र, फिर ज, तो मिलकर क्या बना? सूरज। दूसरे में देखो, अ पे अंक की मात्रा, ध पे ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा और र पे भी आ की मात्रा, तो मिलकर क्या बना? अंधियारा। तीसरा देखो, च पे अंक की मात्रा चन, द पे आ की मात्रा दा, चंदा। प पे देखो अंक की मात्रा पन, छ पे देखो ई की मात्रा पंछी। पांचवा देखो, म पे उ की मात्रा मू, आधा स मू स, क पे आ की मात्रा का ई मुस्काई। अगला देखो, उपवन, उपवन। सातवा देखो, श पे ई की मात्रा तो ये क्या होगा? शी, तल, शीतल। देखो म पे भी किसकी मात्रा है? अंग की, तो क्या है? मंद, मंद। अगला देखो क्या लिखा है? सुखदाई। स पे उ की मात्रा सुखदाई, स पे उ की मात्रा सुख, द पे आ की मात्रा दा, ई सुखदाई। म ड पे देखो इ की मात्रा मड़ी, य पे आ की मात्रा और इसके ऊपर चंद्रबिंदु, तो ये क्या है? मड़िया। क्या बोलेंगे इसको? मड़िया। अब देखो ग्यारहवा,
स, स पे ऊ की मात्रा और अं की मात्रा, तो ये क्या होगा सुन। फिर क्या लिखा है, द और र, सुंदर। बारवा देखो, घ, र पे ए की मात्रा डी, य पे आ की मात्रा घड़िया, घड़िया। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये सारे कठिन शब्द किए, मैंने आपको बताया किसके अंदर किसकी मात्रा लगी हुई है। ओके, अब देखो आपको ये वाला, ये और ये, आपको ये 8 शब्दार्थ याद करने हैं, ठीक है। हम इसका कल टेस्ट लेंगे, तो आप ये 8 कठिन शब्द याद करिएगा। देखिए ध्यान से देखिए कि 8 शब्द हैं, ये आपको याद करने हैं, कल हम इसका टेस्ट लेंगे। अब नीचे आइए, शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ क्या है, देखो पहला शब्द क्या है, नभ। नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश। क्या होता है, आकाश। दूसरा शब्द देखिए, पंछी। पंछी का अर्थ क्या होता है, पक्षी। इसे देखिए, उपवन। उपवन का अर्थ क्या होता है, बाग या बगीचे। चौथा देखिए, सप किसकी मात्रा है, सु, ख, द पे आ की मात्रा दाई, सुखदाई। सुखदाई यानी सुख देने वाली। पांचवा देखिए, उजियाली। उजियाली का अर्थ क्या होता है, चांदनी। छठा देखो, कुसुम। कुसुम का अर्थ क्या होता है, फूल। सातवा देखो, शीतल। शीतल का अर्थ क्या होता है, ठंडा। आठवा देखो, मनोहर। मनोहर का अर्थ क्या होता है, मन को हरने वाली। देखो अब इसमें भी मैं कुछ इस पर निशान लगा रही हूँ, आपको ये करना है याद, इसका भी हम कल टेस्ट लेंगे। नभ, सुखदाई, मनोहर, उजियाली और कुसुम, ये आपको बच्चों याद करने हैं, कल हम इनका टेस्ट लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आप इन्हें पढ़िए और टेस्ट के लिए याद भी करिए। धन्यवाद।